देखिए भाई, हर एक स्टूडेंट को अपने करियर को लेकर ख्याल रहता है कि हमें कौन सा कोर्स करना है और उसके बाद क्या करना है। आज का ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो स्टूडेंट्स 12th PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास करते हैं। आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के बारे में जिसका नाम है GNM। GNM क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये कोर्स कितने समय में कंप्लीट होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, फीस क्या होती है, इसके बाद सैलरी पैकेज कैसा होता है, नौकरी कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। आइए बात करते हैं फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए यानी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके कम से कम 40 से 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, और एक ख़ास बात, इस कोर्स को आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो आयु सीमा है वो 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि इस कोर्स को लड़के और लड़कियां यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह कोर्स कितने समय में कम्प्लीट होता है। ये कोर्स 3 साल का होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है, यानी इस कोर्स को बिल्कुल कम्प्लीट होने में 3 साल 6 महीने का समय लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं और उसी के आधार पर एडमिशन देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के 10th और 12th की मेरिट के आधार पर एडमिशन दे देती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके लिए बेटर रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और उसी में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में, वो लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, सेकेंड है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, लास्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको प्रोसेस कराना होगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस कोर्स की फ़ीस के बारे में। इस कोर्स की फ़ीस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में अलग अलग होती है। बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होती है। बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो लगभग 2 लाख रुपए तक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कोर्स के सिलेबस के बारे में। ये कोर्स 3 साल का होता है, तीनों साल आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रहे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, ये रहे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट और ये रहे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट, ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि GNM कोर्स करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं यानी आपकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकती है, तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे स्टाफ नर्स, होम नर्स, हेल्थ विजिटर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इनके रूप में आप कार्य कर सकते हैं और मरीजों की देखभाल सेवा कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो देखिए, जो सैलरी है ये आपकी पोस्ट, आपके एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल्स पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। फिर भी हम आपको एक एवरेज सैलरी बता देते हैं। स्टार्टिंग में एक फ्रेशर नर्स की सैलरी 2.5 से 3.5 लाख रुपीज़ पर ईयर की होती है, यानी लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की होती है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस नर्स की सैलरी की, तो उनकी जो सैलरी है वो 7 से 8 लाख रुपीज़ पर ईयर की होती है। अब हम बात करते हैं इस कोर्स के फ़ायदों की। ठीक है, नंबर वन, इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोगों की स्वास्थ्य सेवा कर सकते हैं और बहुत सारा नाम कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे फ़ायदे हैं। आई थिंक ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो एंड लाइक कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप तक आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।